तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट द एज रिलेटेड कॉर्नियल डीजनरेशन, जिसमें से भी आर्कस सिनालिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो शॉर्ट नोट आता है। आर्कस सिनालिस क्या होता है, किसकी डेफिनेशन है? एनुलर लिपिड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द कॉर्नियल पेरिफेरी। जो कॉर्निया की पेरिफेरी है उसमें लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है एनुलर फॉर्म में। एनुलर मतलब रिंग शेप में, जिसकी वजह से एक ओपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। ये एज रिलेटेड कंडीशन होती है, बायलेटरल दोनों आँखों में होती है। अगर 60% केसेस में ये 40 to 60 ईयर्स में इफ़ेक्ट करती है, और अगर 80 ईयर ज़्यादा है इंसान तो उसमें तो होगा ही होगा। ये सर क्लिनिकल फीचर होता है कि ये स्टार्ट करता है सुपीरियर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट से, और उसके बाद प्रोग्रेस करेगा, पूरी पूरा एक रिंग बना लेगा। जो रिंग होगी वो 1 mm वाइड होगी डायमीटर में। अब इस रिंग के जो पेरिफेरल बॉर्डर होते हैं रिंग ओपेसिटी के, वो शार्प होते हैं, वाइल दी सेंट्रल बॉर्डर्स आर डिफ्यूज। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में जब हम देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये हैं इसके, ये है पेरिफेरल बॉर्डर। ये पेरिफेरल बॉर्डर देख रहे हैं आप कितना क्लियर कट है, इसको कहते हैं शार्प पेरिफेरल बॉर्डर। और ये जो सेंट्रल बॉर्डर है, मतलब जो अंदर की तरफ कॉर्निया की तरफ जा रहा है, वहाँ पर देखेंगे आप ये डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब ये स्मच टाइप का है, डिफ्यूज है, उसमें कोई बॉर्डरिंग आपको दिखती नहीं, कोई लाइन जैसा नहीं दिखता है। ठीक है, फिर दोस्तों देखते हैं ये लिम्बस है, ये लिम्बस है, लिम्बस से और ये आर्कस सिनालिस है, इसको सेपरेट करता हुआ ये एक वोक्स इंटरवल है, ल्यूसिड इंटरवल ऑफ वोक्ट। ये एक क्लियर कट एरिया है जो कि सेपरेट करता है लिम्बस को आर्कस सिनालिस की रिंग से, सोते हैं ल्यूसिड इंटरवल ऑफ वोक्ट। तो दोस्तों हमने देखा कि ये स्टार्ट करता है सुपीरियर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट में, फिर प्रोग्रेस करता है, एक रिंग बना लेता है जिसके पेरिफेरल बॉर्डर्स शार्प होते हैं, वाइल सेंट्रल बॉर्डर इज डिफ्यूज। द रिंग ऑफ द ओपेसिटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिम्बस बाय अ क्लियर जोन, जिसको हम ल्यूसिड इंटरवल ऑफ वोक्ट कहते हैं। और समटाइम्स कभी कभी यहाँ पर एक डबल रिंग भी दिखती है। ठीक है, और अगर ऐसा कंडीशन हमें बच्चों में देखने को मिले, वैसे तो ये ओल्ड एज की कंडीशन है, पर अगर ये छोटे बच्चों में या फिर यंग इंडिविजुअल्स में देखने को मिले, सो आर्कस जुवेनाइलिस कहते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन है वोक्स वाइड रिम्बल गर्डल, ये भी एल्डरली में ही देखते हैं। इसमें बायलेटरल चौकी वाइट ओपेसिटीज़ होती हैं, कहाँ पर? इन द इंटर पैल्पेबल एरिया, बोथ नेजली एंड टेम्पोरली। ठीक है, जो पैल्पेबल होता है, पैल्पेबल एरिया होता है टेम्पोरल साइड का और नेजल साइड का, वहाँ पर ये चौकी वाइट ओपेसिटीज़ होती हैं। और ये जो ओपेसिटी होती है ये बोमेंस मेम्ब्रेन के लेवल पे होती है। ठीक है, तीसरी होती है हैसल हेनले बॉडी, जो कि अभी हमने फ्यूक्स एंडोथेलियल कॉर्नियल डिस्ट्रोफी में भी देखा था। ये ड्रॉप लाइक एक्सक्रीसेंसेज यानी ग्रोथ होती हैं, ऑफ किसकी? हाइलेंड मटीरियल्स की, जो कि एंटीरियर चेंबर में प्रोजेक्ट करती हैं और कॉर्निया की अराउंड दी कॉर्नियल पेरिफेरी। ये कहाँ से अराइज करती हैं? डेस्मिड्स मेम्ब्रेन से अराइज करती हैं। और अगर ये इन्वेड करती हैं सेंट्रल कॉर्निया में, तब ये कॉर्निया गटेटा बनाती हैं। ठीक है, फिर फाइनली और प्रोग्रेस करती हैं, पूरे कॉर्निया को इन्वॉल्व करेंगी, तो फिर ये बीटन मील अपीयरेंस देती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो ये एज रिलेटेड कॉर्नियल डीजनरेशंस हैं।